साथियों नमस्कार, आज हम आपको रूह कांपने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम कुराना विकासखंड क्षेत्र के शेखुपुर गांव की गौशाला में खड़े हैं। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ गायों के लिए ना तो पीने की कोई व्यवस्था है, न ही जानवरों के लिए खाने कोई भूसे चारे की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि बहुत ही बुरी स्थिति है गायों की। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बुरा हाल है जानवरों का। गौशाला के अंदर जानवर मरे पड़े सड़ रहे हैं, लेकिन न तो चरवाहे का पता है न ही यहाँ के ग्राम प्रधान को कुछ पता है, क्योंकि सिर्फ जानवरों को बंद कर दिया जाता है, उन्हें देखने के लिए कोई नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ के लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव और बीडीओ की लापरवाही के चलते प्रतिदिन कई जानवर की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। जिस तरीके से जानवर पूरी तरीके से सिसक सिक कर मरने को तैयार हैं। कार आज हम खड़े हैं कुरारा क्षेत्र के ग्राम शेखुपुर की ग्राम पंचायत में। यहाँ पे जो गौशाला बनी हुई है आप देख सकते हैं, जानवरों के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा कि बताया गया है, यहाँ डेली सुबह 8-9 बजे गायों को चारा भूसा दे दिया जाता है, और आप देख सकते हैं कि सामने सब मरा पड़ा हुआ है। एक नहीं हम दो कह सकते हैं, जहाँ 200 मरे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के चरवाहों या कहते हैं ग्राम पंचायत या सचिव किसी ने इस शव को यहाँ से फेंकवाने की कोशिश नहीं की, जबकि वहीं पड़ा सड़ रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही भी कही जा सकती है। और आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से यहाँ जानवर दिख रहे हैं, लेकिन टीन तो लगा दी गई है, लेकिन टीन के नीचे इतना कीचड़ भरा पड़ा है कि आखिर समझने वाली बात है किस तरीके से जानवर वहाँ बैठते होंगे। दूसरे पानी और यहाँ पे जो लड़ौरी बनाई गई है जानवरों के लिए, फिलहाल उस पर कुछ भूसा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन पानी पीने के लिए तो नल की व्यवस्था है, लेकिन अब कंफर्म तरीके से पता नहीं है। जी आपका नाम क्या है? जयपाल। जयपाल जी बताइए, आप इस समय जो गौशाला है किस कौन सी ग्राम पंचायत गौशाला है? शेखुपुर। शेखुपुर ग्राम पंचायत है। यहाँ किस तरीके से जानवर रखा जाता है, उनकी खाने पीने की क्या व्यवस्था है? जानवरों के लिए तो दो नौकर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सुबह 8-9 बजे खाना डालते हैं, सुबह शाम को 3 बजे डालते हैं। कल्लू जात का है कोरी। अच्छा। कल्लू ही प्रजापत है। अच्छा। प्रधान स्वयं आता है डलवाने। अच्छा, इनके यहाँ मतलब खाने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है? पीछे रखी है। अच्छा, रखा है। हाँ। चलिए चलिए, नान रखा है पीछे उनके जो। अच्छा, मतलब जानवरों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, ये सर्दियों से बचाव के लिए फिलहाल तो टीन लगा दी गई है। टीन लगा दी गई है, लेकिन जो बोलते हैं त्रिपाल वगैरह ठंडी से बचाव के लिए, ऐसा कुछ व्यवस्था की गई? हाँ, त्रिपाल की व्यवस्था, जानवर ने फाड़ डाला फिर उसको बांधना है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई जानवर लड़ गए तो फाड़ दिए तो क्या करे, पर थोड़ी बांधेगा कोई।